अमनौर में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारियों को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। अमनौर में शिक्षक नवीन पुरी के आवासीय परिसर में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व प्राचार्य श्री अंबिका राय ने किया, जबकि संचालन आयोजन समिति के सचिव चंदन कुमार ने किया। समिति के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को रखा गया है। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, जबकि ग्रुप बी में 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी, जबकि ग्रुप सी में 7वीं एवं 8वीं वर्ग के विद्यार्थी, जबकि ग्रुप डी में 5वीं एवं 6ठी वर्ग के विद्यार्थी के लिए रखा गया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा 2 जनवरी 2023 को होगी, जबकि परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा सह पुरस्कार वितरण समारोह में दिया जाएगा, जबकि परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा सह पुरस्कार वितरण समारोह 8 जनवरी 2023 को भेलजी के श्रीधर बाबा दारोगा राय इंटर कॉलेज में होगा। वहीं आयोजन समिति के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर जिले भर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षक, अनेकों गणमान्य व बुद्धिजीवी व्यक्तियों शामिल रहे। इस प्रतियोगिता परीक्षा से बच्चों को कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पास जो क्षमता है, उस क्षमता का भरपूर प्रयोग करना चाहते हैं, और इसके लिए एक माहौल भी चाहिए। ये परीक्षा उनको माहौल देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, जहां वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे जी। और कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे में टैलेंट है लेकिन प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म तलाश नहीं पाते, तो ये परीक्षा उनको प्लेटफॉर्म देगी और खुल के आएंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतिभा का चयन होगा, तलाशा जाएगा और तराशा जाएगा। आपका परिचय सर? मैं मेधा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य पप्पू कुमार सिंह हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के परिचर्चा रखी गई, इसमें किस प्रकार के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और उनको कितना हद तक इसमें सफलता प्राप्त होती है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना समय निकाल कर यहाँ पर आया। सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी अगर प्रतियोगिता का परीक्षा है तो उसमें कहीं ना कहीं छात्र जो है अपने आप को एक मापने का एक जरिया है कि जो हम लोग कितने पानी में हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। और दूसरा ये चीज़ है कि इस एकेडमी की ये प्रतियोगिता परीक्षा है और इसमें जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग दोनों हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सहयोग मिलेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? नवीन कुमार, पुलिस शिक्षक। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर के जो आज परिचर्चा रखी गई, इसके बारे में क्या उद्देश्य है आपका, बताएं? सर, उद्देश्य यही है कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं इसमें भाग ले, अब भाग लेंगे तो उनका प्रतिभा जो है सामने आएगा। और यह जो परीक्षा जो है सिर्फ छपरा जिला की नहीं, इसके अलावा जो आपका है छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी सेंटर बनाया गया है। क्या परिचय?